इंदौर के राव तहसील के ग्राम रंगवासा में आयोजित कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार के सार्वजनिक मंच से उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री द्वारा पटवारियों को 100% रिश्वत लेने वाले आरोपी बयान के विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला खरगोन द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय से एक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि मंत्री जीतू पटवारी अपने इस घोर निंदनीय बयान पर 3 दिवस में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जाने की मांग की है। मांग नहीं होने पर मध्य प्रदेश का समस्त पटवारी अपने अभियान की रक्षा के लिए 3 अक्टूबर 2019 से निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की बात कही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आक्रोश ले रहे, 3 दिन में माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिया है, किस बात की नाराजगी है? ये अभी विगत दिनों में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी के द्वारा राव तहसील में मंच से समस्त मध्य प्रदेश के पटवारियों को 100% भ्रष्ट बताया, उनके मंच से ऐसे बयान के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। तो और हमने अभी 3 दिन का अवकाश लिया है, 3 दिन के अवकाश में अगर माननीय मंत्री जी माफ़ी अगर नहीं मानते हैं तो आगामी समय में हमारा प्रदेश स्तर का पटवारी संघ इसके आगे वाली कार्रवाई करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।